नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एडुकेशन। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और टॉपिक का नाम है लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत सारे दोस्त जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, दोस्तों दोनों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम दोनों की बात कवर करेंगे। एक जो कि करना चाह रहा है इंजीनियरिंग, तो उसके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर में मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। या दोस्तों, जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जो बीटेक या बी कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि मैं आगे क्या करूँ, क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, उन सारे ऑप्शंस की बात इस वीडियो के अंदर मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप लोग, एंड यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है लाइफ आफ्टर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फ्यूचर करियर ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास होता है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है गेट। हाँ दोस्तों, गेट एग्ज़ाम होती है जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। हाँ दोस्तों, यही इसका फुल फॉर्म है और ये हर एक साल फेब मंथ जो होता है उसमें इसकी एग्ज़ाम होती है और हर एक ब्रांच के लिए ये होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है डायरेक्ट हायर कर लेती है, डायरेक्ट ले लेती है। ठीक है, या फिर आप किसी भी आईआईटीस एनआईटी से आप एमटेक के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, एमटेक और पीएचडी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें आपकी, और अगर नंबर थोड़े ठीक ठाक नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से इससे जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, गेट को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स होती है जो कि डायरेक्ट आपको गेट के स्कोर के हिसाब से एज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, वो क्या है कि गेट की एग्ज़ाम आप लोग फाइट करें और उसके बाद आपके पास आप एमटेक कर सकते हैं, पीएससी में जॉब कर सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर इन ऑप्टेन इन गेट एग्ज़ाम। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है वो है ईएससी। हाँ दोस्तों, ईएससी का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। अगर आप बीटेक गोइंग स्टूडेंट हैं या बीटेक करने वाले हैं तो आप ईएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, इसके थ्रू भी आपको जॉब वगैरह अच्छी खासी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है आफ्टर, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो उसके बाद है सिविल सर्विसेज। हाँ दोस्तों, आप बीटेक करते करते सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज क्या होता है ये आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं बात करूँगा सिविल सर्विसेज की तैयारी जो होती है या सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके द्वारा इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है और यूपीएससी की एग्ज़ाम आप जैसे क्रैक करते हैं तो आपको ग्रेड ए और ग्रेड बी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके अंदर जॉब मिल जाती है। IAOs हो गया, ठीक है, IAS, IPS, इनकी जॉब आपको सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलती है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग जॉब पोस्ट होती है जो कि आपको यूपीएससी के थ्रू मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है तीन स्टेज में होती है। पहली स्टेज होती है प्रिलिमिनरी, ठीक है दोस्तों, प्रिलिमिनरी होती है, फिर मेंस होता है हमारा, देन इंटरव्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिलिमिनरी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। देन जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी क्लियर होता है उसके बाद आपको मेंस देना होता है, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। देन आपकी जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से जो जितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंक दी जाती है एंड उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन था। और भी ऑप्शंस की हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं उसके बाद आपको अगर हायर स्टडी के लिए एमबीए करना है दोस्तों, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, अगर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और आपको इसके लिए अलग एग्ज़ाम फाइट करनी पड़ेगी। अगर अच्छे कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है एमबीए के लिए तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स होती है जिनके नाम मैं बताऊँगा, आपको उनकी तैयारी करनी होगी दोस्तों। एग्ज़ाम जैसे हो गई हमारी जीमेट हो गया, मैट हो गया, केट हो गया, इन एग्ज़ाम को आपको फाइट करना होगा और यहाँ पर जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आप किसी भी वेल नोन कॉलेज से एमबीए कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
और फिर ऑप्शन है अगर एमबीए के अलावा भी अगर कुछ ऑप्शन है, डेट इज मास्टर ऑफ साइंस का। हाँ दोस्तों, मास्टर ऑफ साइंस क्या कहते हैं, ये होता है कि इसके थ्रू आप फॉरेन में, क्या फॉरेन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जनरली कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है फॉरेन की, जो कि गेट के स्कोर से आपको एडमिशन दे देती है, और कुछ के लिए आपको जीआरई एग्ज़ाम होती है वो फेस करना होता है। दोस्तों जीआरई के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ पर विजिट करें या फिर कमेंट करें, हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मास्टर ऑफ साइंस का एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। देन इसके बाद अगर हम बात करें और क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, तो वो है स्टार्टअप। दोस्तों इंडिया में क्या चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके थ्रू आप फंड इकट्ठा कर सकते हैं अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है और अगर इस पर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इस पर भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास कोई आइडिया है। अगर आपको स्टार्टअप इंडिया पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, उस पर भी हम वीडियो बना दें। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट जो है, जो आपके पास ऑप्शन बचता है डायरेक्ट, अगर आपने इंजीनियरिंग या बीटेक कंप्लीट किया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जॉब के लिए जॉब कर सकते हैं। जॉब जैसे कि मैंने बताई थी, जैसे आप गेट का होता है, गेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपकी लग सकती है, या बीटेक के बेसिस पर बहुत सारी अलग अलग कंपनी से कुछ प्लेसमेंट होते हैं कॉलेज में, जो कि आपको हायर कर लेते हैं। दोस्तों ये कुछ मैंने आपको 6-7 ऑप्शंस बताए हैं बीटेक के बाद, और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि आपको अब क्या करना चाहिए, ये डिसीजन आपका है। ठीक है, तो आई होप सब चीज़ क्लियर होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।